पाकिस्तानी एक्टर पर मीशा शफी का आरोप, बोली जब मेरे पति बाहर थे तो उसने मुझे घर। पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं। अली पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली मीशा शफी ने एक बार फिर उन्हें लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। अदालत में मीशा ने बताया कि अली ने कई मौकों पर उनका यौन शोषण किया है। अदालत में बयान देते हुए मीशा ने बताया है कि पहली बार उसने यह हरकत अपने ससुर के घर पर की थी, जहां मैं एक कार्यक्रम में शिरकत करने पति के साथ पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान जब उनके पति दोस्तों के साथ बाहर खड़े थे, तब अली ने उन्हें घर में पकड़ लिया था। मीशा ने मामले से जुड़े सारे ट्वीट्स की कॉपी और सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। मीशा ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद से वे कई महीनों तक सदमे थीं। मीशा ने कोर्ट की सुनवाई की जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने बताया कि मैंने अपना स्टेटमेंट कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। अगर यह सब शोहरत या पैसे के लिए होता तो मैं यहाँ नहीं होती। मीशा शफी ने अली पर 2 अरब रुपए का मुकदमा ठोका है। मीशा ने लाहौर कोर्ट में केस फाइल करते हुए आरोप लगाया है कि अली जफर ने उन पर बेबुनियादी और गलत बयान दिए हैं। बता दें कि मीशा ने अली जफर पर आरोप लगाते हुए कहा था, एक प्राइवेट स्टूडियो में उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की थी। अली कई और महिलाओं के साथ भी इस तरह का बर्ताव कर चुके हैं। अली ने कई बार मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दर्द था। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर अली जफर ने एक इंटरव्यू में बात की थी। इस बातचीत के दौरान भावुक हो गए और नेशनल टेलीविजन पर ही फूट फूट कर रोने लगे थे। अली ने बताया था कि इन आरोपों की वजह से उनके करियर और परिवार पर बुरा असर पड़ा है। हम सभी काफी लंबे समय से ये सब सहन कर रहे थे, सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी। मैंने भी पिछले साल से एक शब्द नहीं कहा और फैसला लिया कि मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। वे लोग फेक अकाउंट के जरिए उन लोगों को टैग कर मेरे खिलाफ कर रहे थे जो मुझे काम देने की कोशिश करते थे, ताकि मेरा करियर बर्बाद हो सके।